वेलकम दोस्तों, नमस्कार। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G और मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हो टेक डिसाइड। तो ये फोन पिछले साल 31 मार्च 2021 को लॉन्च हुआ था। तभी स्मार्टफोन की प्राइस थी 48 से लेकर 50,000 के आसपास और अभी चल रहा है जुलाई का महीना और साल है 2022, यानी कि इसको लॉन्च हुए लगभग 1 साल 4 महीने का पीरियड हो चुका है और अभी आपको ये मिल जाएगा 34 से लेकर 36 के रेंज के अंदर। कभी कभी तो आपको ये फोन 32,000 तक भी मिल सकता है अगर अच्छी डील आती है तो। सैमसंग ने S20 FE 5G का नेक्स्ट वर्जन S21 FE 5G भी लॉन्च कर दिया है, लेकिन इसमें सैमसंग ने एक्सिनोस को डाल दिया, साथ ही प्राइस भी बहुत ज्यादा है 55,000 रुपीज। तो सवाल ये आता है कि क्या हमें S20 FE 5G अभी भी 2022 में बाय करना चाहिए, क्योंकि ये अभी सस्ता भी है और पावरफुल स्मार्टफोन भी है, अभी इतना ओल्ड हुआ नहीं है। तो आपके जो भी डाउट S20 FE 5G को लेकर के सब कुछ इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले, वो भी डिटेल में। बस आपको वीडियो पूरी देखनी है और हाँ, वीडियो को लाइक करना है, साथ ही में सब्सक्राइब भी करना है। तो सबसे पहले सवाल ये आता है इसको बाय करने से पहले कि क्या इसको एंड्रॉइड 14 की अपडेट मिलेगी या नहीं। तो S20 FE 5G जब इंडिया में लॉन्च हुआ था पिछले साल तो इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 था और सैमसंग के अपडेट पॉलिसी के अनुसार 3 साल की मेजर OS अपडेट और 4 साल की सिक्योरिटी पैच अपडेट स्मार्टफोन को मिलेगी। तो बात करें इंडियन वेरियंट की तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 12, 13 और 14 तक की अपडेट मिल सकती है और S20 FE अभी करंट जो है एंड्रॉइड 12 के ऊपर चल रहा है। तो इस थ्योरी से चले तो इसको एंड्रॉइड 14 की अपडेट मिलना फिक्स है, लेकिन सेम यही फोन इंडिया के बाहर लॉन्च हुआ था उसमें एंड्रॉइड 10 था, तो उसके अकॉर्डिंग इसको 11, 12 और 13 तक के ही अपडेट मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। अगर सैमसंग इंडियन वेरिएंट के अकॉर्डिंग इसको अपडेट देता है, यानी कि S20 FE 5G आया था एंड्रॉइड 11 के साथ में आउट ऑफ बॉक्स इंडिया के अंदर, तो इसको 12, 13 और 14 मिल सकती है। अब देखते हैं कि सैमसंग करता क्या है। लेकिन आपको कंफर्म एंड्रॉइड 14 की अपडेट चाहिए ही चाहिए और सैमसंग का ही स्मार्टफोन चाहिए तो आप S20 FE 5G के बदले में A52s 5G भी ले सकते हो, जिसमें आपको एंड्रॉइड 14 का अपडेट बिल्कुल कंफर्म मिलने वाला। अब बात करते हैं इसको बाय करने का सबसे बड़ा रीजन 2022 के अंदर। तो इसका चिपसेट यानी कि प्रोसेसर 865 का एक पावरफुल चिपसेट, ये चिपसेट 800 सीरीज का पावरफुल चिपसेट है और स्टेबल भी है। आप जो डेली और नॉर्मल टास्क करोगे इसमें तो कोई इश्यू बिल्कुल नहीं आने वाला, और आप अगर हेवी टास्क करते हो जैसे कि वीडियो एडिटिंग, हेवी एप्स को चलाना, साथ ही में गेमिंग करना, ये सभी काम आपके बिल्कुल स्मूथ तरीके से होने वाले। बात करें गेमिंग की तो BGMI, COD और साथ ही में Apex Legends जैसे गेम आप हाई सेटिंग पे खेल सकते हो, नो डाउट कि आपको परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी इश्यू देखने मिलेगा। बस गेमिंग को लेकर के एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें जितनी भी गेमिंग की है तो आप अगर प्रो गेमर हो तो यहाँ पे आपको वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि सैमसंग अपने फोन को गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज नहीं करता और यहाँ पे गेमिंग तो हो जाती है, आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो हाई सेटिंग के ऊपर, लेकिन कंटिन्यूस गेमिंग करोगे, प्रो लेवल की गेमिंग करोगे हाई सेटिंग के ऊपर कंटिन्यूस तरीके से, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं लैग और दिक्कत देखने मिलेगी, वहां पे आपको थोड़ा बहुत हीटिंग का इश्यू देखने मिलता है और फिर आपको लैग भी देखने मिलता है। तो यहाँ पे गेमिंग होती है लेकिन प्रो लेवल की गेमिंग करोगे तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देखने मिल सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए आप अगर फोन लेना चाहते हो 865 देख करके तो आपको कहीं ना कहीं निराशा देखने मिल सकती है। अगर आप एक वीडियो क्रिएटर भी हो, यानी कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे वीडियोस बनाते हो और फोन में ही वीडियो एडिट करना चाहते हो तो डोंट वरी, आपकी जो वीडियो एडिटिंग है बहुत ही स्मूथ और मक्खन हो जाएगी और आप 4K में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा रीजन इसको बाय करने का 2022 के अंदर, इसमें आपको रियर में 3 कैमरा का सेटअप देखने मिलता है, 12MP का मेन प्राइमरी कैमरा विद OIS के साथ में, 12MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 8MP का टेलीफोटो कैमरा विद OIS के साथ में। यहाँ पे कैमरा से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने मिलता, अब इसके फ्रंट और रियर कैमरा के साथ में 4K 30 और 60fps में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और साथ में आपको OIS का सपोर्ट भी मिलता है। और आप अगर 4K में वीडियो रिकॉर्ड भी करते हो तो OIS सही से काम करता है, क्योंकि आप अगर इससे नीचे की रेंज में जाते हो जैसे कि A52s 5G तो वहां पे OIS तो मिलता है लेकिन वो 4K में काम नहीं करता, वहां पे आपको Full HD 30fps पे ही वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगी तो ही उसमें OIS काम करता है, Full HD 60 और 4K में OIS काम नहीं करता A52s 5G में। इसमें आपको मिलता है अल्ट्रा वाइड 12MP का और 8MP का टेलीफोटो लेंस, टेलीफोटो लेंस के साथ में आप 3x ऑप्टिकल जूम तक जा सकते हो, 30x हाइब्रिड जूम भी आप इससे कर सकते हो, लेकिन आप जितना जूम करोगे क्वालिटी उतनी बेकार होते जाती है, आप अगर 10x जूम तक जाते हो तो वहां पे क्वालिटी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। इसके टेलीफोटो लेंस में मुझे एक दिक्कत लगी जो कि ये होना नहीं चाहिए था और यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि इसके आपको टेलीफोटो लेंस के अंदर जो है ना आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी नहीं कर सकते, क्योंकि टेलीफोटो लेंस से अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है तो आप इसके मेन कैमरा से कर सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेलीफोटो लेंस में इसका सपोर्ट होना चाहिए था। फ्रंट कैमरा इसका 32 मेगापिक्सल का देखने मिलता है और यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फी कैमरा हो रियर कैमरा हो आपको निराश तो बिल्कुल नहीं करेगा। आज की डेट में 34,000 के रेंज में S20 FE आपको जो कैमरा का जो आउटपुट दे रहा है वो सच में डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप अगर एक कंटेंट क्रिएटर हो, वीडियो शूट करते हो, व्लॉगिंग करते हो तो उसके लिए भी ये फोन बेटर रहेगा, आप फोन के कैमरा से ही वीडियो शूट कर सकते हो 4K के अंदर 4K 60 और 4K 30 के साथ में, और साथ ही में इसमें ही वीडियो एडिट भी कर सकते हो,
तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपके लिए फोन बेस्ट रहेगा। इस फोन की तीसरी अच्छी बात यह है कि इसमें आपको मिलता है आईपी रेटिंग सर्टिफिकेशन, आईपी रेटिंग 68, यानी कि आप 1.5 से 2 मीटर तक पानी में जा सकते हो और लगभग आधा घंटा ये फोन पानी में सर्वाइव कर सकता है, ऐसे सैमसंग क्लेम करता है। लेकिन यहाँ पे आप इसको एक इमरजेंसी फीचर्स की तरह से ले सकते हो, क्योंकि आईपी रेटिंग होना बहुत जरूरी है आज के जमाने में। फोन अगर पानी में गिर जाता है, पानी में भीग जाता है, तो वैसे में फोन इससे डैमेज नहीं होता और आपका जो है पैसा बच जाता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फोन अगर पानी में गिर जाए, डूब जाए, भीग जाए, तो वैसे में फोन के अंदर बहुत हद तक डैमेज हो जाता है और कई बार तो फोन डेड भी होता है। और आज के डेट में जो ये फोन मिल रहा है 34 या 35 के रेंज में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और कंपनी या फिर कोई और स्मार्टफोन है जो कि आपको इस रेंज में IP68 की रेटिंग दे रहा है। चौथा कारण है इसको बाय करने का इन 2022 के अंदर, वो है इसका डिस्प्ले। इसमें आपको मिलता है 6.5 इंच का एक सुपर एमोलेड पैनल विद 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट। इसमें आपको HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट मिलता है। बस यहां पे आपको दो कॉन्स देखने मिलते हैं, एक तो ब्राइटनेस के बारे में। यहां पे आपको इंडोर में कोई भी शिकायत नहीं होगी ब्राइटनेस को लेकर, लेकिन आप जैसे आउटडोर जाते हो तो वहां पे आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी कम देखने मिलती है, एकदम बहुत कम नहीं देखने मिलती। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो किसी और स्मार्टफोन से इससे कम रेंज के अंदर सैमसंग की, तो इसकी ब्राइटनेस आपको डल देखने मिलती है आउटडोर में। और इस फोन के डिस्प्ले में आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन, जो कि अभी बहुत ही ओल्ड हो चुका है। लेकिन ये कोई बड़ा कॉन्स मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप इसको कोई भी टफन ग्लास लगाओगे तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट हो जाएगा। फिफ्थ रीजन इसको बाय करने का, इसका स्टीरियो स्पीकर, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर है। ट्रबल थोड़ा ज्यादा है, बेस थोड़ा कम है, लेकिन अच्छे खासे लाउड है, मुझे कोई भी शिकायत नहीं लगी। और बात करें ईयरफोन में ऑडियो क्वालिटी की, वायरलेस और वायर के साथ में, तो मुझे बहुत ही अच्छा मिला परफॉर्मेंस आउटपुट जो भी है। साउंड क्वालिटी ईयरफोन के अंदर बहुत ही अच्छी है। मैं सैमसंग के ओरिजिनल हेडफोन यूज कर रहा हूं और साथ में Z55 Pro Plus नेक बैंड है मेरे पास में, जो कि वायरलेस है बोट का, उसमें भी आपको इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिल जाती है। अब बात करते हैं बैटरी को लेकर के, तो यहाँ पे कॉन्स बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया कि भाई छठा रीजन को बाय करने का 2022 के अंदर, क्योंकि बैटरी आपको मिलती है 4500 mAh की, आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी है, अच्छी बात है। और आपको चार्जर मिलता है 15W का, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी सैमसंग आपको चार्जर नहीं दे रहा है, तो आपको बॉक्स में कम से कम चार्जर मिल रहा है वो 15W का क्यों ना हो, लेकिन अभी तो आपको चार्जर भी नहीं मिलता। ये फोन सपोर्ट करता है 25W चार्जिंग को भी, तो आप अलग से 25W का चार्जर ले सकते हो, जो कि आपको मिलेगा 1900 रुपये के आसपास। अब बात करते हैं मेन इसके बैकअप की, यानी कि बैटरी बैकअप कैसा मिलता है, तो यहाँ पे इसका जो SOT यानी कि स्क्रीन ऑन टाइम लगभग 5.5 से 6 घंटे का ही मिलता है। लेकिन अभी जब से UI 4.1 आया है तब से बहुत हद तक यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुई, लेकिन फिर भी बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि इसका जो SOT स्क्रीन ऑन टाइम है, जो बैकअप है, वो बहुत ही कम मिलता है। लेकिन डोंट वरी, अगर आप इस स्मार्टफोन को बाय करते भी हो तो सैमसंग के लगभग सभी स्मार्टफोन में कुछ ऐसी सेटिंग्स होती है, अगर आप उनको अप्लाई करते हो तो आपका जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो बढ़ जाएगा, लगभग 7 से 8 घंटे का हो जाएगा। तो इस बैटरी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बस सिंपल से मेरी ये वीडियो देखना है। वीडियो में मैंने बहुत सारी टिप्स बताया जो कि आपके बैटरी को डबल कर देगा, यानी कि आपका जो बैकअप है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आप भी इन स्टेप को अप्लाई कर सकते हो, वीडियो को जरूर से देखना अगर आपको बैटरी का इशू आता है। तो अब आखिरी में बात करते हैं इसके लुक्स, बिल्ड क्वालिटी और इसकी UI के बारे में। तो लुक्स जो है वो सब्जेक्टिव होता है, किसी को पसंद आया, किसी को पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे पर्सनली इसके लुक्स अच्छे लगते हैं। यहाँ पे आपको 3 कैमरा का सेटअप देखने मिलता है, लुक्स अच्छा है देखने में। फोन ज्यादा मोटा नहीं है, स्लिम है, 190 ग्राम का है और हाथ में सही से बैठ जाता है। बात करें इसके फ्रेम की तो वो मेटल की है और बैक में आपको मिलता है प्लास्टिक, प्लास्टिक है वो बिल्कुल भी चीप नहीं लगता, आपको मिलता है एक अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक। प्लास्टिक है ना वो आपको मिलता है मैट फिनिश के साथ में, तो जो स्क्रैच वगैरह इतनी जल्दी लगते नहीं, और लगते भी तो ऐसे विजिबल नहीं होते। बात करते हैं UI की, तो मिलता है UI 4.1। अभी ये फोन लेटेस्ट UI के ऊपर अपडेट हो चुका है, इसमें आपको एंड्रॉइड 12 मिलता है। बात करें वन यूआई के प्रीमियम फीचर्स के बारे में, तो लगभग सभी आपको इसमें देखने मिलते हैं, नॉक सिक्योरिटी, सिक्योर फोल्डर, ऑल्ड लाइव, साथ ही NFC का सपोर्ट भी है और सैमसंग डेस्क का सपोर्ट भी आपको इसमें देखने मिलता है। बात करें कुछ कॉन्स की, तो आप वो भी समझ लो, जैसे कि इसमें आपको कोई भी हेडफोन जैक देखने नहीं मिलता। इसकी जो हैप्टिक्स है वो बहुत ही नॉर्मल है इस रेंज के हिसाब से। इसकी जो आउटडोर ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी वीक है, बैटरी बैकअप थोड़ा आपको कम देखने मिलता है, लेकिन आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, मैंने आपको उसके लिए अलग से वीडियो दे दी, आपको लिंक मिल जाएगी। तो कुछ ऐसा ये फोन है S20 FE 5G, और जो भी आपके डाउट्स थे इस फोन को लेकर के, बाय करें या ना बाय करें, तो मैंने पूरी कोशिश की मेरी तरफ से कि भाई मैं आपको क्लियरली और डिटेल में समझा पाऊँ कि क्या इसमें है, क्या कुछ नहीं है। और मेरी अगर मानो तो ये फोन बेस्ट है इन 2022 के अंदर भी, आप इसको खरीद सकते हो, रिकमेंडेड है। कुछ कौन सा है लेकिन आप उनको इग्नोर कर सकते हो। अब आप देखो कि आपके लिए फोन बेस्ट है या नहीं, या आपकी मर्जी खरीदना है या नहीं।